हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजनर्स। ओके गाइस, तो हम आज बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। ओके, ऑटोकैड में अगर कोई ग्रिड डिज़ाइन करना हो तो कैसे करते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास कोई ड्राइंग है, बेसिक ड्राइंग है ऑटोकैड की। तो इसमें हमारे पास डिटेल व्यू है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल लगाए हुए हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 14.35। उस पर जैसे यहाँ से लेंथ ली हमने 14.35 एंड उस पर दो सर्कल लगा दिए स्टार्ट एंड पॉइंट से मिड पॉइंट तक। ओके, फिर यहाँ से अगर एक पॉइंट से हम इसकी डाउन साइड लेंथ ले लेते हैं, या हाइट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं 2D में, क्योंकि ऑटोकैड में 2D प्लेन में वर्क होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ से लेंथ है, ये हमारे पास 17.3। ओके, और यहाँ पे ये टोटल ड्राइंग दी है, इसका हमारे पास हाइट जो है 100 है, लेंथ इसकी गिवन नहीं है, बट हमने ये पोर्शन कवर करना है, इसको कम्प्लीट करेंगे। ओके, तो हम डिटेल व्यू की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। ओके, यहाँ पे गाइस हमारे पास एक लाइन एल एंटर, तो ये लाइन है हमारे पास कितनी, 14.35। ओके, तो इस पर दो सर्कल, सी एंटर, एंड पॉइंट टू मिड पॉइंट, सी एंटर एंड अनदर साइड, सेम स्टेप रिपीट। ओके, एल एंटर, तो यहाँ से हम बात करेंगे 17.3, ये वाला डायमेंशन था हमारा। ओके, तो यहाँ से हम एल एंटर, यहाँ से हम लाइन लेंगे, यहाँ पे टेंजन शो करता है। ओके, और ये लाइन मैं यहाँ तक ले आया क्योंकि हमें यहाँ से ट्रिम करना है, और ट्रिम के केस में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। टी और डबल एंटर, तो हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, और ये हमारे पास डिटेल व्यू रेडी हो गया कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पर ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो आप चेक कर सकते हो ड्राइंग में, तो ये हमारे पास डिटेल व्यू रेडी हो गया। अब मुझे एक पोर्शन, अब इसी की कॉपीज़ करके रख लेता हूँ पहले मैं, फिर मुझे रोटेट करके इसको यहाँ पे प्लेस करना है, इसके बैक टू बैक लाइन लगा के इनको प्लेस करना है। ठीक है, तो गाइस ये वाली चीज़ बन जाएगी। ओके, तो हम इसकी कॉपीज़ रख सकते हैं, सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पिक फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अगेन मिरर, एम आई एंटर, तो ये हमने मिरर कर लिया। अब हम इसको रोटेट कॉपी कर सकते हैं, सी ओ एंटर एंड रोटेट, आर ओ एंटर एंड मूव, एम एंटर, सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट। ओके, तो गाइस ये एग्जैक्ट प्लेस हो गया है, तो ये हमारे पास डिटेल भी बन गया है। ओके, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एल एंटर, एक लाइन लगाते हैं 100 की। ओके, 100 की लाइन प्लेस करने के बाद लेंथ अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हम खुद से ज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को, रिपीट लाइन। ओके, तो गाइज इसको रोटेट कर लो, आर ओ एंटर, अगर हमें डायग्राम कंप्लीट करनी है तो फिर इसको रोटेट करके यहाँ से मूव करना पड़ेगा, एम एंटर। और मूव करते टाइम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उसी पॉइंट से उठाओ जो पॉइंट कहीं पे मिलाना है या टच करना है उसके साथ। ओके, इसके बैक टू बैक एक लाइन लगाओ, तो यहाँ से ये लाइन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मूव कमांड, एम एंटर, ओके गाइस इसको हम मिरर कर सकते हैं अप साइड, सेम। ओके, इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, एम एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो गाइस मूव हो गया, कॉपी हो गया, रोटेट, आपने सिर्फ बेस पॉइंट का ध्यान रखना है इसमें। जैसे मूव भी कर रहे हैं तो मूव करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आप जहाँ पे प्लेस करोगे बस उसी पॉइंट से पिक करो, एग्जैक्ट मूव एग्जैक्ट प्लेस हो जाता है वो, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, और हम इसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉपी करते जाएंगे, सेम स्टेप्स, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो उसको। तो गाइस इसी पॉइंट से उठाओ यहीं से, ओके लाइन यहाँ से कॉपी नहीं हुई है, सी ओ एंटर, हम लाइन को अलग से कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम चेक करते हैं, इतना तक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको इरेज कर दो एंड यहाँ से एक लाइन एल एंटर, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये एक डबल एंटर एंड यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं इसको। ओके, तो गाइस ये वाली डायग्राम हमारे पास रेडी हो गई, आप चेक कर सकते हो पॉइंट्स।
एग्जैक्ट मिलेगा सारी जगह। तो बस आपने ये बेसमेंट का ध्यान रखना है कि आपके जो जॉइंट्स हैं किसी भी साइड का जॉइंट है वो प्रॉपर टच होना चाहिए एक्यूरेटली।